शासन के बल पर दुनिया में नाम कमाया रे, विकास सुशासन के बल पर दुनिया में नाम कमाया रे, गुड गवर्नेंस के ऊपर सबके दिल पे मोदी छा गया रे, घोटाले बाजों का नाश करण में नरेंद्र मोदी धन्यवाद। इस देश के राष्ट्र भक्त लोगों के हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का यहां पर आने पर मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, मैं अपनी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रामविलास शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मोदी जी का अभिनंदन करें। श्रीमान रामविलास शर्मा जी, भारत के भावी प्रधानमंत्री, एक बैकवर्ड गरीब का बेटा, एक समय कृष्ण मुरारी यहां पर आके खड़े हुए थे। हम हरियाणा के लोग धन्यवादी है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानी रहे। आज हरियाणा का गांव गरीब किसान, हाई पारी व्यापारी कर्मचारी, हरिजन बैकवर्ड बेरोजगार नौजवान आज नरेंद्र भाई भगवान कृष्ण की धरती में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। उनके साथ में हमारे दोनों उम्मीदवार राजकुमार जी सैनी, रतनलाल जी कटारिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आत्म प्रकाश जी मनचंदा, अनिल वीर्स और हमारे अश्वनी जी चोपड़ा भी आए। करनाल से हमारे उम्मीदवार शहादत का सम्मान अश्वनी चोपड़ा भी यहां पर उपस्थित है। मैं अधिक न कहते हुए नरेंद्र भाई, ये गांव गरीब किसान है, ये कुरुक्षेत्र है, हम हरियाणा का आदमी यह समझता है कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, गरीब का दर्द जानने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद रामविलास जी। पित्राय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए इस युग में अर्जुन के रूप में नरेंद्र मोदी जी आज इस भारत में इन भ्रष्टों का नाश करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। मैं ऐसे इस देश के राष्ट्रभक्त लोगों के हृदय के सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश मुखी जी, यहां के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामविलास शर्मा जी, यहां चुनाव प्रबंधन का इंचार्ज श्री मनोहर लाल जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, अम्बाला के हमारे जनप्रिय उम्मीदवार श्री रतनलाल कटारिया जी, इस कुरुक्षेत्र में रथ की कमान संभाले हुए हमारे राजकुमार सैनी जी,
करनाल के हमारे उम्मीदवार श्री अश्विनी चोपड़ा जी, हचका के पूर्व मंत्री श्री जय सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक श्री अनिल विज जी, श्री मनचंदा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाओ, पोल पे चढ़ गए हो और अखबार वाले लिखेंगे मोदी आप पोल राइजर हो, वो लिखेंगे मोदी पोल राइजर। बाइक पे गिर तो नहीं जाओगे ना, और गिर गए तो मेरे खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? मित्रों आपकी चिंता हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों मेरा। अब इतना बड़ा मैदान में छोटा पड़ गया, मैं दूर दूर तक देखता हूं माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इस बार हरियाणा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। भाइयों बहनों, चुनाव घोषित होने से पहले चुनाव का नतीजा घोषित हो गया है। भाइयों बहनों, एक तरफ इस चुनाव में पैसों का खेल है तो दूसरी तरफ पसीना बहा रहे हैं। क्षेत्र के मैदान से मैं कह रहा हूं, एक गीता की भूमि है, कितनी ही बदौलत क्यों न हो, कितने ही रुपये क्यों न हो, लेकिन इस भूमि पे सिर्फ पवित्रता जीतती है, पवित्रता जीतती है। पैसे नहीं जीतेंगे, पसीना पैसों को मात कर देगा। भाई ये चुनाव पैसे और पसीने के बीच का चुनाव है। भाई बहनों, वे अमीर हैं, उनके लिए राजनीति एक शौक का खेल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति एक समाज सेवा का माध्यम है। और भाई राजकुमार सैनी जी हमारे उम्मीदवार, आपके लिए पसीना बहाने वाले उम्मीदवार हैं। भाई बहनों, आजकल शहजादे जी मैंने एक सभा में कहा था कि देश को आज चौकीदार की जरूरत है, और मैंने कहा था कि आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए, मैं चौकीदार की तरह आपकी सेवा करूंगा।
तो सहजा जी ने कहा कि देश को एक चौकीदार नहीं चाहिए, देश को तो 125 करोड़ देशवासी चौकीदार होने चाहिए। मैं जरा शाहजादे जी को पूछना चाहता हूं, ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? और वो किस चीज की चौकी करेंगे? क्या जमीनों की चौकी करेंगे क्या? क्या वो किसानों के हकों की चौकी करेंगे क्या? मैं शाहजादे जी को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने कोयले की चोरी की, जिन पर कोयले चोरी के कलंक लगे हुए हैं, जिनके हाथ कोयले की चोरी में काले हैं, जिन्होंने देश का मुंह काला किया है, शाहजादे जी जरा बताइए वो भी क्या आपके चौकीदार होंगे क्या? जिन्होंने जल थल नभ आकाश पाताल आसमान कहीं पर भी लूट करने का अवसर नहीं छोड़ा है, क्या ये आपके चौकीदार होंगे? क्या ऐसे चौकीदार चाहिए आपको? आप मुझे बताइए, क्या दूध के कटोरे की चौकी बिल्ली को दी जा सकती है क्या? क्या दूध के कटोरे की चौकी बिल्ली कर पाएगी क्या? क्या दूध का कटोरा बचेगा क्या? ये कांग्रेस पार्टी को ऐसी ही बिल्लियों की जरूरत है जो दूध के कटोरे की रखवाली पर लगाई जाए, ताकि किसी के नाम पर इंतजाम न लगे और उनका काम चलता रहे। भाई बहनों, मैंने हरियाणा में बहुत सालों तक काम किया है, यहां की गली गली से परिचित हूं, और मेरा तो आपसे सीधा नाता भी है। ये कुरुक्षेत्र की भूमि हरियाणा में है, तो द्वारका की भूमि गुजरात में है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की भूमि में विश्व को नैतिकता का संदेश दिया था, उसूलों का संदेश दिया था। वे कृष्ण भगवान बाद में आकर के मेरे गुजरात के द्वारका में रहे थे, और महर्षि दयानंद सरस्वती जो मेरे गुजरात में पैदा हुए और इस इलाके के जीवन को संस्कारित करने का काम किया। हरियाणा में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती को याद न किया जाता हो। अब आपकी पहलवानी बंद करो भैया, बिठो उनको बिठाओ नीचे। बहुत धन्यवाद, बहुत पराक्रम किया आपने भाई बहनों। और इसलिए मेरा आपसे विशेष नाता है। इतना ही नहीं, अगर आप सूरत जाएंगे ना तो आधा हरियाणा वहीं नजर आता है। सामाजिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, हमारे हरियाणा हरियाणा से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा था कि मुझे बहुत वर्षों तक हरियाणा में आपके बीच रहकर के काम करने का सौभाग्य मिला था। आज से भाई बहनों, मैं हरियाणा की समस्याओं को भली भांति जानता हूं,
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार आने के बाद मुझे हरियाणा की समस्याएं समझने में पल भर की भी देर लगने वाली नहीं। आप मुझे बताइए, यहां का मेरा किसान सालों से कह रहा है सरस्वती नदी आज नाला बन गई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था नदियों को जोड़ने का। भाइयों बहनों, देश की हरित क्रांति का नेतृत्व जिस प्रदेश ने किया था, जहां कभी पानी की किल्लत नहीं होती थी, आज यहां का किसान पानी के संकट को झेल रहा है। भाइयों बहनों, अगर यहां की सरकारों में दीर्घदृष्टि होती, यहां की सरकारों में आने वाली पीढ़ी की चिंता करने का मंसूबा होता, आज मेरे हरियाणा का किसान तबाह नहीं हो जाता, बर्बाद नहीं हो जाता। भाइयों बहनों, ये नौजवान इतना जुस्सा आज मत दिखाओ यार, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। नौजवानों, मैं आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं। दुनिया में आज टूरिज्म विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला उद्योग है, और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी मिलती है। टूरिज्म डेवलप होता है, रिक्शा वाला भी काम आता है, हैंडीक्राफ्ट वाला काम आता है, चाय बेचने वाला काम आता है, पकौड़े बेचने वाला काम आता है, मालाएं बेचने वाला कमाएगा, फूल बेचने वाला कमाएगा, हर किसी को कोई एक व्यवसाय ऐसा हो जिससे सब लोगों को रोजगार मिलता है, वो है टूरिज्म। भाई बहनों, 125 करोड़ देशवासी जो महाभारत को जानते हैं, जो कृष्ण को जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र को भी जानते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की कभी न कभी इच्छा तो रहती है एक बार कुरुक्षेत्र जाएं और देखें तो सही, जहां धर्म का जय हुआ था वो जगला कैसी है, वो यहां मथा टेकना चाहता है, यहां की रज अपने माथों पर चढ़ाना चाहता है, सारे दुनिया के लोगों को ये भी एक कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है, जिज्ञासा का केंद्र बन सकता है, दुनिया के लोगों को प्रभावित कर सके, ऐसा हम टूरिज्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र में विकसित कर सकते हैं। और अगर कुरुक्षेत्र में टूरिज्म विकसित होता है तो सिर्फ कुरुक्षेत्र का भला नहीं होता है, पूरे हरियाणा का भला होता है, पूरे हरियाणा का। लेकिन भाइयों बहनों, हेलो भाई साहब, हेलो
नौजवानों को रोजगार देने वाला एक काम, यहाँ के लोगों को कभी अपना गांव छोड़ करके जाना ना पड़े। इतनी बड़ी विरासत या धनी है, लेकिन कभी भी कुरुक्षेत्र का टूरिज्म की दृष्टि से विकास नहीं हुआ। मैं कभी कभी भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टाइजमेंट देखता हूं, मुझे लगता है कभी तो कुरुक्षेत्र की बात आएगी, कभी तो कुरुक्षेत्र देखने के लिए लोगों को निमंत्रित किया जाएगा, लेकिन पता नहीं यहां ऐसे लोगों को आपने चुन करके भेजा है कि उनको अपने उद्योग व्यापार के बजाय आपके विकास में जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनसे कभी भला नहीं होने वाला। आइए बड़ा, आप मुझे बताइए, आप सोना तो तिजोरी में रखते हो, चांदी तिजोरी में रखते हो, अरे कभी कभी पैसे भी तिजोरी में रखते हो, लेकिन कभी कोयला तिजोरी में रखा है? कोई अपने घर में कोयला तिजोरी में रखता है? कोई कोयला ताले में रखता है? नहीं रखता है। अरे घर के बाहर पड़ा रहता है, ठेला भरा पड़ा होता है, और माताएं बहनें जब जरूरत होती है निकाल करके अपना चूल्हा जला देती है। कभी कोई कोयले की चोरी करता है? घर के बाहर कोयला पड़ा हो तब भी कोई कोयले की चोरी करता है? कोई करता है? भाइयों बहनों, ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोयले की चोरी की, कोयले की चोरी। इन्होंने कोयला नहीं छोड़ा, अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे क्या? जो कोयला नहीं छोड़ते भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को आपने चुन करके भेजा जो कोयला भी खा जाते हैं, और सीबीआई को दबाया जाता है, सीबीआई का दुरुपयोग होता है, और कांग्रेस के इशारे पर सीबीआई तय करती है कि किस पर मुकदमा चलाया जाए, किस पर न चलाया जाए। और भाई बहनों, मैं आपको आज वादा करने आया हूं, दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद जिन जिन लोगों ने देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, उनका हाल क्या होगा? क्या हाल होगा? कितने ही बड़े दिग्गज क्यों न हो, देश की जनता को उनको हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस वालों को जरा पहचानना जरूरी है, ये बड़े कमाल के लोग हैं। पहले वो आपके सामने जब आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, बाद में हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ दिखाते हैं, धीरे धीरे हाथ आजमाते हैं, और मौका पड़ते ही हाथ की सफाई शुरू हो जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये हाथ की सफाई करने वाले कारीगरों को पहचानने की जरूरत है, और भाइयों बहनों, इनकी विदाई होना जरूरी है।
देश को बहुत लूट लिया है। भाई भाई बहनों, आप मुझे बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार करके, देश में लूट चला करके हिंदुस्तान के गरीब आदमी के अरबों खरबों रुपए लूट लिए? मानते हैं आप? आप मानते हैं कुछ लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूटे हैं? क्या आप मानते हैं कि रुपये विदेशी बैंकों में रखे गए हैं? आप मानते हैं कि काला धन विदेशी बैंकों में जमा किया गया है? आप मुझे बताइए, ये विदेशी बैंकों में जमा किया गया काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? पाई वापस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये रुपये गरीब के हैं, गरीब के काम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? भाइयों बहनों, आप चाहते हैं काला धन वापस आना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलिए, आप चाहते हैं काला धन वापस आना चाहिए? अच्छा, आप में से कोई है जो कहता है कि नहीं आना चाहिए? कोई है क्या? कोई है तो मुझे बोलो। आप हाँ कह रहे हो ना? हाँ कह रहे हो ना? आप हाँ इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपका तो एक रुपया भी नहीं है विदेश में। आपका क्या जाता है? आप मदद क्यों करोगे? आपका तो एक रुपया भी विदेशी बैंक हो रही है, आप मना क्यों करोगे? तो मना कौन करता है? मना कौन करता है? कांग्रेस पार्टी मना करती है काला धन लाने के लिए। भाई 700 करोड़ देश के नागरिक काला धन वापिस लाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, जिन्होंने गरीबों के पेट से छीन लिया है, वे ये खेल खेल रहे हैं। और इसलिए भाई बहनों, आप जब दिल्ली में नई सरकार बनाओगे, मैं आपको वादा करता हूं, अगर नया कानून बनाना पड़ा तो नया कानून दुनिया के किसी देश से संधि करनी पड़ी तो संधि करके, लेकिन हिंदुस्तान के लुटेरों ने जो पैसे बांट रखे हैं वो पैसे मैं वापस ला करके छोड़ूंगा। भाई कुरुक्षेत्र हो, हर
हरियाणा की दसों सीटें हो। भाई बहनों, 10 अप्रैल को दसों का दसों सीटों में कांग्रेस का सफाया करना। देखिए कैसा संयोग हो गया है, 10 तारीख को मतदान और दसों जगह पर भारतीय जनता पार्टी और साथी लोगों को विजय बना। भाई बहनों, कुछ लोग पैसों के जोर में वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग फर्जी उम्मीदवारों को खड़े करके सही उम्मीदवारों को पराजित करने के खेल खेल रहे हैं। ये जो वोट कटाव लोग हैं ना, ये सारे कांग्रेस के ठेकेदार हैं, उनसे जरा बच के चलना। ये वोट कटाव लोगों से बच के चलना, ये सारे कांग्रेस के ठेकेदार हैं, ये दूसरे दूसरे चेहरे मोहरे पहन के आ जाते हैं, नए नए निशान लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद है, कुछ भी करो कांग्रेस को बचाओ। भाई बहनों, अगर कांग्रेस बची तो देश नहीं बचेगा। 10 साल में हमने देखा है देश का हाल कितना बुरा कर दिया है। भाई बहनों, दिल्ली में ये सरकार का तो जाना तय है, पक्का है। आप मुझे बताइए, मेरा विश्वास सही है कि नहीं है? आपको लगता है दिल्ली में सरकार बचेगी? आपको लगता है मैडम सोनिया जी की सरकार बचेगी? आपको लगता है सरकार बचने वाली है? सारा देश कह रहा है इनका तो जाना तय है। उन्होंने भी मान लिया है कि बिस्तरा गोल करो, अगर उनके घरों के बाहर अगर कोई जहां जाए बिठा दिया जाए तो चेक करने वाला डिप्पी के डिप्पी भर करके सारा माल जा रहा है, खाली हो रहा है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है 16 मई को क्या होगा। उन्हें ये भी चिंता है कि 16 मई के बाद उनकी जगह कहां होगी। भाइयों बहनों, देश में देश सरकार का जाना तय है, लेकिन मैं आज कुरुक्षेत्र की इस भूमि से जहां विजय का संग्राम सदियों पहले हुआ था, उस भूमि से देशवासियों से प्रार्थना करना चाहता। मेरे देशवासी, हमारे देश का अमूल्य समय बर्बाद हो चुका है, देश की जवानी उसके सामने अंधकार का छाया पड़ा हुआ है, माताएं बहनें असुरक्षित हैं, किसान परेशान है, गरीब की तरफ तो देखने वाला नहीं है। ऐसे समय अब देश समय बर्बाद नहीं कर सकता, हम ज्यादा समय नहीं गंवा सकते, बहुत नुकसान हो चुका है, अब ज्यादा नुकसान नहीं झेलना चाहिए, बहुत प्रयोग हो चुके हैं, अब नए प्रयोग नहीं करने चाहिए। आज इसलिए भाई बहनों, इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, इस बार दिल्ली में ये सरकार तो जाएगी, जाने वाली है, जाना तय है, लेकिन जो नई सरकार आए ना, वो मजबूत होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, 300 से कम लोग चुन करके उसके नहीं आने चाहिए। भाई बहनों, आप मुझे बताइए,
अगर डीड वाली सरकार बनी तो आपके सपने पूरे होंगे। अगर तीन पहिए वाली गाड़ी दी तो गाड़ी आपको पहुंचा पाएगी। अगर चार पहिए वाली है लेकिन हवा कम है तो गाड़ी चल पाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, समय की मांग है कि मजबूत सरकार बने। भाइयों बहनों, अगर आप मजबूत नहीं है, अपना परिवार का भी व्यवहार देख लीजिए। अगर आपके परिवार में दमखम नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी हमेशा आपको परेशान करते हैं, नहीं करते दबाते रहते हैं, नहीं रहते। लेकिन आप अगर अपने घर में मजबूत है तो अड़ोस पड़ोस भी आपसे प्यार का व्यवहार करते हैं, नहीं करते। भाइयों बहनों, आज जो हिन्दुस्तान के अगल बगल के सारे देश हिन्दुस्तान को आंख दिखा रहे हैं, अगर देश की सरकार मजबूत होगी तो ये अड़ोस पड़ोस के लोग हमें आंख दिखाएंगे क्या, दिखा पाएंगे क्या? जो लोग आज हमें आंख दिखाते हैं, अगर दिल्ली में मजबूत सरकार बन गई तो आंख मिलाना शुरू कर देंगे। हमें किसी को आंख दिखानी नहीं है, लेकिन हमें आंख मिलाने की ताकत तो होनी चाहिए। भाई बहनों, हमारे देश में कुछ लोगों का सपना एक ही होता है और सपना ये होता है कि सरकार ढीली ढाली बने। भाई बहनों, हमारे गांव में भी जो बदमाशी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, शराबबाजी करते हैं, जुआबाजी करते हैं, लोगों के पिक पॉकेटिंग करते हैं, जो भी बुरे काम करते हैं, उनकी एक इच्छा हमेशा रहती है कि गांव में मजबूत पुलिस वाला नहीं आना चाहिए। चाहते नहीं चाहते, वो चाहते हैं पुलिस वाला ढीला ढाला हो तो उनका काम चल जाएगा। भाइयों बहनों, हम अपने गांव में मोहल्ले में भी मजबूत सिपाही चाहते हैं, मजबूत पुलिस वाला चाहते हैं। स्कूल में भी जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ने में इच्छा रखते हैं, वे भी कहते हैं कि यार टीचर ढीला ढीला नहीं चाहिए, टीचर दम वाला चाहिए। मानते हैं कि नहीं मानते? ढीले ढाले टीचर है तो कुछ कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, देश को भी ढीली ढाली व्यवस्था नहीं चाहिए, देश को मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार के लिए, स्थिर सरकार के लिए, प्रगतिशील सरकार के लिए 300 से ज्यादा करोड़ दिल्ली आपको भेजने चाहिए। साथ ही लोगों को एक्स्ट्रा। लेकिन भाइयों बहनों, अगर एक बार आप मजबूत सरकार बनाएंगे ना, तो ये पर्दे के पीछे जो खेल खेलने वाले लोग हैं उनकी सारी दुकानें बंद हो जाएगी, उनके सारे खेल बंद हो जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, ये पर्दे के पीछे जो खिलाड़ी हैं उनके हाथ में देश की बागडोर नहीं जानी चाहिए। ये काम करना है तो 300 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान से कमल को जिता करके दिल्ली भेज दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं भाई, आपने शासक बहुत देख लिए, शासकों की सरकार बहुत देख ली, शासकों के जुल्म देख लिए, शासकों की लूट खसोट देख ली। एक बार सेवक को देख कर लो। भाइयों बहनों, में शासक नहीं सेवक बन के आया। भाइयों बहनों, आपने 60 साल दिए, 60 साल, क्या मुझे 60 महीने नहीं दोगे? मैं देशवासियों में छोटी मांग कर रहा हूं, आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने देख करके देखिए, मैं आपका भाग्य बदल दूंगा।
भविष्य के लिए, भारत के नौजवानों के भविष्य के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए, गरीब से गरीब परिवार को रोटी रोटी मिले इसके लिए, किसान को उसको खेत में पानी मिले, उसकी पैदावार का पूरा पैसा मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, बुजुर्गों को बीमारी में दवाई मिले, ऐसी सरकार दिल्ली में बनाने के लिए मैं आपके आशीर्वाद चाहता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। भाई मन हरियाणा में जहां भी चल रही है, जो सुनामी का रूप ले रही है, यही पूरे देश में है भाई। मैं हिन्दुस्तान के हर कोने में जा रहा हूं, यही मिजाज है, ये मिजाज बताता है कि देश की जनता ने ठान ली है भाई। भाई बहनों, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, दोनों मुट्ठी ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, वंदे 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 वंदे। आखिरी इस महासंग्राम में यहां पर पहुंचे मैं कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला लोकसभा के सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हमारे जो प्रदेश कार्य समिति के लोग